मैंडेट थीप्स करार दे दिया है जो नया इत्तेहाद। मैं कह रहा था कि ये जो मैंडेट थीप्स हैं, इन्होंने मैंडेट थीप चीफ जो चुना था अपना नवाज शरीफ, उसका मैंडेट भी चोरी कर लिया इन्होंने। वो कहते थे कि वो जीत गया, नवाज शरीफ जीता है, नवाज शरीफ जीता है, और अब नवाज शरीफ किधर है? आप लोग गवाह हैं, मैंने कुछ 50 दफ़ा आपको कहा हुआ है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, वज़ीर आज़म नहीं है। लेकिन ये याद रखें कि नवाज शरीफ पहले 4 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुका है। एक दफ़ा उसको हटाया गया था, फिर जस्टिस नसीम शाह ने उसकी सहूलतकारी की थी उस बेंच ने, और वो वापस आया था, आपको याद है। इसी तरह जो अब दूसरी दफ़ा उसके घर में ये यानी छठी दफ़ा उसका भाई तैयारी कर रहा है। 2 दफ़ा नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब रहा, जो सबसे बड़ा सूबा है। 3 दफ़ा शहबाज रहा, शहबाज को 1 दफ़ा हटाया था सलमान ने, ये भी आपको याद है। तो ये उसका फिर बेटा आया। 4 और 2 6 दफ़ा इनके पास चीफ मिनिस्टरशिप रही है, और 6 दफ़ा छठी दफ़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं आप प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। ये जो वजारत उज़्मा होगी, इसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा वो मैंडेट थीफ चीफ होगा। आज अभी मैंने मैंडेट थेफ्ट का एक और केस अबीर मुकाम वाले हलके में, जहाँ लहू गिराया गया मासूमों का, उसमें मैं बहस करके निकला हूँ चीफ जस्टिस साहब के पास, और मैंने वहाँ कहा कि फरिश्ते भी इनका झूठ लिख लिख के थक गए होंगे। इस मुसलसल तरीके से ये हिसाब देते हुए इनका क्या हशर होगा, ये आप अंदाज़ा लगा लें। जो असल इशू है इस वक्त वो ये है कि किसी कीमत के ऊपर भी जिस किसी ने भी इनको वोट दिया, इस मैंडेट थीफ को वोट दिया, वो मैंडेट थीफ को एक तरफ से वोट दे के हमारे घर में घुसाएगा ताकि चोरी करें। रात आधी रात को गैस फिर महंगी होगी, गैस ख़त्म होने वाली है, लकड़ियों की तैयारी करें, लकड़ियां मल्टीपर्पज़ होती हैं आपको पता है, और जगह भी, मैं सारे वाली बात कर रहा हूँ, काम आ जाती हैं, आप सारे हंसे, मैंने इसलिए वजाहत कर दिया। तो जो मैंडेट थीफ को जिसने भी चोरी के लिए हमारे घर में इक्तदार के ज़रिए दाखिल किया, उसके बाद अगर वो कहे कि मैं अपोजिशन करूंगा इसकी मरकज़ में, और चोर अंदर भेज के या डाकू अंदर भेज के गेट पे वो हमारी चौकीदारी नहीं कर सकता। इसलिए जो इनको वोट देगा और इनको मुसल्लत करेगा वो कौमी मुजरम होगा पार्लिमानी इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर। आखिर में ये बता दीजिए कि मौलाना फजल रहमान ने भी नतीजे को मुस्तरद किया, एक पीडीएम 2 बन गया है, एक उसका सीजन 2 कह सकते हैं, आप समझते हैं इतनी कमजोर हुकूमत। मोबाइल थोड़ा पीछे कर लो ना, कल मैंने कहा था कि पीडीएम 2 है और सीजन 2 है। जो मैंडेट थीफ चीफ जो चुना था अपना नवाज शरीफ, उसका मैंडेट भी चोरी कर लिया इन्होंने। वो कहते थे कि वो जीत गया, नवाज शरीफ जीता है, नवाज शरीफ जीता है, और अब नवाज शरीफ किधर है? आप लोग गवाह हैं, मैंने कुछ 50 दफ़ा आपको कहा हुआ है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, वज़ीर आज़म नहीं है। लेकिन ये याद रखें कि नवाज शरीफ पहले 4 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुका है। 1 दफ़ा उसको हटाया गया था, फिर जस्टिस नसीम शाह ने उसकी सहूलतकारी की थी उस बेंच ने, और वो वापस आया था, आपको याद है। इसी तरह जो अब दूसरी दफ़ा उसके घर में ये यानी छठी दफ़ा उसका भाई तैयारी कर रहा है। 2 दफ़ा नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब रहा, जो सबसे बड़ा सूबा है। 3 दफ़ा शहबाज रहा, शहबाज को 1 दफ़ा हटाया था सलमान ने, ये भी आपको याद है। तो ये उसका फिर बेटा आया। 4 और 2 6 दफ़ा इनके पास चीफ मिनिस्टरशिप रही है, और 6 दफ़ा छठी दफ़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं आप प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। ये जो वजारत उज़्मा होगी, इसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा वो मैंडेट थीफ चीफ होगा। आज अभी मैंने मैंडेट थेफ्ट का एक और केस अबीर मुकाम वाले हलके में, जहाँ लहू गिराया गया मासूमों का, उसमें मैं बहस करके निकला हूँ चीफ जस्टिस साहब के पास, और मैंने वहाँ कहा कि फरिश्ते भी इनका झूठ लिख लिख के थक गए होंगे। इस मुसलसल तरीके से ये हिसाब देते हुए इनका क्या हशर होगा, ये आप अंदाज़ा लगा लें। जो असल इशू है इस वक्त वो ये है कि किसी कीमत के ऊपर भी जिस किसी ने भी इनको वोट दिया,
इस मैंडेट थीफ को वोट दिया, वो मैंडेट थीफ को एक तरफ से वोट दे के हमारे घर में घुसाएगा ताकि चोरी करें, रात आधी रात को गैस फिर महंगी हो गई, गैस खत्म होने वाली है, लकड़ियों की तैयारी करें, लकड़ियां मल्टीपर्पज होती हैं आपको पता है, और जगह भी, मैं सारे वाली बात कर रहा हूँ, काम आ जाती हैं, आप सारे हंसे मैंने इसलिए वजात कर दिया। तो जो मैंडेट थीफ को जिसने भी चोरी के लिए हमारे घर में इक्तदार के जरिए दाखिल किया, उसके बाद अगर वो कहे कि मैं अपोजिशन करूंगा इसकी मरकज़ में, और चोर अंदर भेज के या डाकू अंदर भेज के गेट पे वो हमारी चौकीदारी नहीं कर सकता, इसलिए जो इनको वोट देगा और इनको मुसल्लत करेगा वो कौमी मुजरम होगा पार्लिमानी इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर। अच्छा सर, आखिर में ये बता दीजिए कि मौलाना फजल रहमान ने भी नतीजे को मुस्तरद किया, एक पीडीएम 2 बन गया है, एक उसका सीजन 2 कह सकते हैं, आप समझते हैं इतनी कमजोर मोबाइल थोड़ा पीछे कर लें, कल मैंने कहा था कि पीडीएम 2 है और सीजन 2 है, जो मौलाना है रेट बढ़ा रहे हैं। कुदरत की तखलीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या सालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराहे रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहे हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।